कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक के बयान के बाद भाजपा में गुस्सा देखने को मिल रहा है। वहीं मुंबई स्थित डिंडोशी पुलिस स्टेशन पहुंचे भाजपा आमदार अतुल भातलकर ने पुलिस को पत्र सौंपकर नवाब मलिक पर कार्रवाई करने की मांग की है। नवाब मलिक के आरोप को बेबुनियाद बताया अतुल भातलकर ने। साथ उपस्थित रहे गणेश खनगर और सिद्धार्थ शर्मा। नवाब मलिक जी ने दो दिन पहले केंद्र सरकार के खिलाफ बेबुनियाद विदाउट एनी प्रूफ इल्जाम लगाए कि केंद्र की सरकार रेमडेसिविर सप्लाई करने वाले कंपनियों को धमका रही है। इसके कारण महाराष्ट्र के जनता के मन में भय पैदा हुआ। महाराष्ट्र के जनता के मन में केंद्र सरकार के बारे में एक संशय निर्माण हुआ। साथ में यहाँ अपने को रेमडेसिविर नहीं मिल सकता है, इसके कारण लोगों ने बड़ी संख्या में मुंबई छोड़ने का निर्णय किया। उसके कारण एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत भी बड़े संख्या में लोग इकट्ठा आए, तो 153A और एपिडेमिक एक्ट के अंतर्गत नवाब मलिक जी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मैंने आज डिंडोशी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दाखिल की है। उनके खिलाफ FIR करना चाहिए, ये मेरी मांग है। निरंतर शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हो पा रही, अगला कदम क्या होगा? मैंने अनिल देशमुख जी के खिलाफ समतानगर पुलिस स्टेशन में इसी प्रकार की कंप्लेंट की थी। आज हाईकोर्ट के ऑर्डर से CBI उनकी जांच कर रही है। यदि मुंबई की पुलिस इसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो आने वाले दिन में हम उच्च न्यायालय में भी जाएंगे। धन्यवाद सर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज़।